हे गाइस नमस्कार, टुडे आई एम गोना मेक वेज ऑमलेट। देखिए इसकी तैयारी मैंने कर ली है। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैदा, एक कटोरी बेसन और एक कटोरी सूजी। बेसन की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं और मैंने दही ली है। तो चलिए एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें हमें घोल बनाना है। तो सबसे पहले डाल दिया है सूजी, अब ले लेंगे बेसन और मैदा। अब इसमें मिला लेंगे दही एक बड़ा चम्मच, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे पानी के साथ। सावधानी से इसका घोल बनाएंगे ताकि लम्प्स ना पड़े। आप चाहें तो हाथ से ही मिला लें इसे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे एक घंटे के लिए रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए अच्छे से और सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जो लम्प्स पड़े होते हैं वो भी एक घंटे बाद हम देखेंगे तो फूल कर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। स्वाद को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स और यूज़ करेंगे। इसमें डाल देंगे प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और हरा धनिया। यहीं पर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा, और हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक स्वादानुसार। चलिए इसे हम अच्छे से घोल लेते हैं। इसका पतला घोल हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। हमने घोल बना लिया है तो अब हम तवे को गर्म कर लेते हैं। तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो इस पर डाल देंगे ऑयल। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे, फिर इस पे डाल देंगे हम घोल। इसे सावधानी से फैला लेंगे। इस तरह से किनारों से तेल डालकर इसे सावधानी से पलट दें। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें। तो देखिए हमारा क्रिस्पी वेज ऑमलेट रेडी है। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। देखिए मैंने लोहे के तवे पर बनाया है, फिर भी ये बिल्कुल आसानी से बन जा रहा है। तो आप भी बनाएं वेज ऑमलेट। रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।